फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बीसीसी का ज्वाइंट जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो से जो भी बच्चे परीक्षा दिए थे उन लोगों का फर्स्ट अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है। यानी कि आपको कौन सा कोर्स या कॉलेज अलॉट हुआ है आपके रैंक के अनुसार, वो आपको उसका रिजल्ट आ गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएँ कैसे अपना रिजल्ट डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और या कमेंट बॉक्स में पिनअप किया हुआ रहेगा। वहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे सबसे ऊपर ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ही आपको डाउनलोड फर्स्ट अलॉटमेंट, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर, ज्वाइंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ऐसे ऑप्शन आएंगे और इस पर सिंपल से लिंक पर क्लिक कीजिएगा और नीचे स्क्रॉल करके आइएगा और यहाँ पर देखिएगा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में आपको फर्स्ट ऊपर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी ज्वाइंट काउंसलिंग फर्स्ट अलॉटमेंट रिजल्ट। इस पर सिंपल से आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये इस प्रकार से आपका लिंक ओपन हो जाएगा और यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपना रोल नंबर डालना है, फिर पासवर्ड जो आपने काउंसलिंग यानी कि स्विच फिलिंग करते समय जो पासवर्ड बनाया था उसको डालिएगा और ये जो सिक्योरिटी पिन है सेम इसी को यहाँ पे डालकर सिंगिंग पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे हम यहाँ पे करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही अपना सिंगिंग कीजिएगा पासवर्ड डाल के, तो फिर इसके बाद इस प्रकार से कुछ ऑप्शन आएगा और यहाँ पे देखिए क्या करना होगा, ओटीपी आपको सेंड करना है। जैसे कि आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे किस पे भेजना चाहते हैं ओटीपी, उस पर सिंपल से क्लिक कीजिए। जैसे कि आप मोबाइल पर मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर मोबाइल पर करके सेंड ओटीपी का ऑप्शन जो है यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद मेरा ओटीपी मेरे फ़ोन पर चले जाएगा, जो भी आपने नंबर दिया होगा यहाँ पर शो कर देगा और यहाँ पर आपका ओटीपी आ जाएगा और यहाँ पर ओटीपी डालना है, फिर उसके बाद लॉगिन कर लेना है। अपना ओटीपी डालकर लॉगिन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पे देखिए आपका दिखाएगा कि जो आपने कितना टोटल चॉइस किए थे और कितने ऑप्शंस थे, कितने चॉइस आपने किए थे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको ये सब चीज़ नहीं देखना है, आपको क्या अलॉटमेंट रिजल्ट देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सीट अलॉट रिजल्ट दिया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सीट अलॉट पर सिंपल से डाउनलोड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका रैंक जो होगा उसके अनुसार यहाँ पे कॉलेज जो भी आपको मिला हुआ लिख देगा। तो देख सकते हैं इन बच्चे को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो इस प्रकार से आपको लिख रहा है कि आप फील्ड आपको कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, तो इस प्रकार से इनको शो कर रहा है। अगर आपका कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि आप उस या आपका कॉलेज है, ये कोर्स आपको मिला है, तो वहाँ पे उसके बाद क्या होगा, ऑप्शन आएगा सबमिट विलिंगनेस। यही आपको समझने की बात है और बहुत ही बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। जैसे कि सबमिट विलिंगनेस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको एक ही ऑप्शन आएगा कि ऑटो अपग्रेडेशन यस, ठीक है, या नो, ठीक है, पहले आपको नो होगा, ठीक है, उसके बाद यस होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ लेना है यस या नो करने से क्या फ़ायदा होना है। अगर आप नो करते हैं तो ये होगा कि जो आपको कॉलेज या कोर्स अभी मिला है उसी में आपको एडमिशन लेना होगा, ठीक है। अगर यस करते हैं तो आपके पास फ़ायदा ये चीज़ होने वाला है कि जो आपको अभी कोर्स या कॉलेज मिला है, जो भी कोर्स या कॉलेज मिला है वो तो आपका सेफ रहेगा ही, अगर उसके बावजूद आपको सेकेंड राउंड में जाने का ऑप्शन मिलेगा। मान लीजिए आपने 10 कॉलेज ऐड किए थे, ठीक है, एक से लेकर 10 कॉलेज का आपने ऑप्शन डाला था, जिसमें से आपको 8 नंबर कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हो चुका है, ठीक है। इसके आगे 7 ऑप्शन और बाकी है जो आपने चॉइस किया था, तो आप चाहते हैं कि जो ऊपर के 7 चॉइस है, फर्स्ट राउंड में आपको 8वां नंबर मिला है, तो आप चाहते हैं कि इसके ऊपर जो भी चॉइस है वो हमको मिले, तो आपको क्या करना है, ऑटो अपग्रेडेशन यस कर देना है, जिससे फ़ायदा होगा कि आपको जो 8 नंबर मिला है वो तो अगर कुछ नहीं मिलता है तो फिर से वही मिल जाएगा, मगर चांस है कि आपने उसके ऊपर जो 7 चॉइस दिए हैं तो उसमें से आपको कुछ कोर्स मिलने की चांस रहता है। तो इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, और सबमिट विलिंगनेस यस कर दीजिएगा और करके अगर आपको जो कोर्स या कॉलेज मिल गया है वो मनचाहा है, मनपसंद है, तो आप नो कीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड सीट अलॉटमेंट उसके बाद क्लिक करके अपना डाउनलोड अलॉटमेंट कर लीजिएगा, मगर आपको एक बार सोच लेना है, पहले आपको अपना अलॉटमेंट रिजल्ट देख लेना है कौन सा कॉलेज या कोर्स अलॉट हुआ है, उसके बाद आपको सोच लेना है कि यस या हम नो करें विलिंगनेस, ठीक है, उसके बाद ही आप डाउनलोड कीजिएगा। पहले तो कुछ समय सोचकर उसके बाद डाउनलोड कीजिएगा कि यस या नो करना आपके लिए सही है कि नहीं, तो इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें कि उन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, अपना जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है डाउनलोड करके देख लें कि कौन सा कोर्स या कॉलेज मिला है। तो फ्रेंड, वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।